हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था, तो उसका यूनिट टू और यूनिट टू लगभग समाप्ति की ओर है। तीन थ्योरम और करानी और ये इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिएगा, इससे पहले मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, यानी कि प्रश्न संख्या ये था सातवां। आज प्रश्न संख्या मैं आपको करा रहा हूं आठ। क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका आठ। ये फाइव बराबर लॉग मोड आर वेक्टर, देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का किसी भी प्रकार से। सॉल्व करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ओके, आपको दे क्या रखा है, ये दे रखा है। तो पहले तो हम लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो भाई आप, कि पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है। यदि मैं इसका ही स्क्वेयर करने लगूं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। और यहीं से यदि मैं आर की वैल्यू निकालने लगूं तो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। उसी तरीके से ये आर का मतलब क्या है, जैसे कहीं पर ए वेक्टर है और मैं कहने लगूं ए वेक्टर का परिमाण निकालो, परिमाण का मतलब होता है कि ए वेक्टर का मॉड, और इसी को मैं किससे प्रदर्शित करूंगा, ए से। उसी तरीके से ये जो आर है, हेंस हम इसको लिख सकते हैं, हेंस आर वेक्टर का यदि मैं मॉड लिखूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आर, और उसका आर का मतलब ये कितना दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर एक बट्टे दो। ऐसा ही होता है, नहीं होता, नहीं समझ में आए तो हमने एक चीज और बता रखी है, जैसे कि आपका ए वेक्टर आपका दे रखा है तीन आई कैप प्लस चार जे कैप प्लस पांच के कैप, ऐसे दे रखा है। हमें इसका मॉड चाहिए, ए वेक्टर का मॉड चाहिए, तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में आई का जो गुणांक होता है उसका स्क्वेयर, यानी कि तीन का स्क्वेयर प्लस जे का जो गुणांक है उसका स्क्वेयर, यानी कि चार का स्क्वेयर, और के का गुणांक है उसका स्क्वेयर, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पे देखेंगे आई का गुणांक कितना एक्स है, वाई यानी कि ये जे का गुणांक कितना वाई है और के का गुणांक कितना एक्स है जेड है। तो यदि मैं यहां से भी डायरेक्टली आर वेक्टर का मॉड निकालूंगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट इस तरीके से आएगा। अंडर रूट का मतलब ही होता है एक बट्टे दो, यही होता है, नहीं होता। तो कुल मिलाकर ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब हमको निकालना क्या है, हमको ये वाली चीज, हमको फाइव बराबर आपको दे रखा है, फाइव बराबर आपको दे रखा है लॉग आर वेक्टर का मॉड, ये दे रखा है। इसका मतलब लॉग आर वेक्टर के मॉड की वैल्यू इतनी है, कितनी है, ये है आपकी वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये है इसकी पावर एक बट्टे दो। तो अकॉर्डिंग दिस में यहां पर लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, चलिएगा ये देखिएगा, यहां पर यदि मैं इसका निकालूं तो ये फाइव बराबर चल रहा था, तो फाइव बराबर पहले तो देखो ये यहां पर एक वैल्यू होती है कि भैया लॉग एम की पावर एन है, तो n आगे आ जाता है log m बचता है, यानी कि ये वाला n यहां पर उतर के पीछे आ जाता है। तो अकॉर्डिंग दिस ये वाला जो है यहां पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक बट्टे दो log x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इतना आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये मैंने यहां पर मिटा दिया। अभी थोड़ा सा हमें इसको
पेन को चलाना कम आ रहा है, धीरे धीरे करके हम सीख जाएंगे। ओके चलिएगा, इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर दे रहा हूँ। ओके ऑल राइट, चलिए तो ये देखिएगा ऊपर इस तरीके से था, नो प्रॉब्लम, ये आ गया। अब हम यहां से, हमें को क्या निकालना है, हमको देखिएगा प्रूफ में क्या चाहिए, ये ऑपरेटर डेल इंटू फाई, ये हमको प्रूफ करना है। तो ऑपरेटर डेल इंटू फाई ये हमको प्रूफ करना है। ओके तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, इसके साथ में इसकी वैल्यू 1/2 लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। 1/2 को मैं आगे ले लूंगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगी, सभी के साथ में करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स और इसके साथ में हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और प्लस यहाँ पे आपका जे कैप आ जाएगा प्लस डेल अपॉन डेल जेड लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इन सब के बाहर 1/2 है ही आपका, ठीक है। ऑलराइट चलिए अब यहां से हम करेंगे इसको, तो देखिएगा आप जानते हैं 1/2 इसका अवकलन डेल अपॉन डेल एक्स, यदि ये लॉग एक्स होता, ये पूरा का पूरा एक्स होता, अब इतना तो आप इंटर के स्टूडेंट रहे होंगे तब आपने अवकलन करे होंगे, यदि ये एक्स होता तो लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x, तो यहां पर आ जाएगा 1/x, एक्स की जगह पर कितना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड, जो एक्स की जगह पर होता है उसका अवकलन और करते हैं, इसका अवकलन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 2x आ जाएगा, केवल 2x आ जाएगा ऐसे ही प्लस, और यहां पर आई कैप और आएगा। अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये इसको आप वाई मान लो, इसको आप वाई मान लेंगे, जब इसको वाई मान लेंगे तो इसको भी करेंगे इसी तरीके से 1/y यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू इंटू, और y का अवकलन कर देंगे y के रेस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, ऐसे ही इसको करेंगे हम, इसका हम अवकलन करेंगे तो देखिएगा, पहले इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आ रहा हूं, इसको करेंगे तो इसका भी हो जाएगा साथ में, इसका मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर दे रहा हूं इस तरीके से, और छोटा कर दिया है मैंने, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू 2z, और ये ब्रैकेट बंद इस तरीके से हो जाएगी, सभी में 2 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी 2 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी 2 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी 2, हाँ इसमें आपका जे कैप आएगा और इसमें आपका यहां पर के कैप आएगा, इस चीज को याद रखिएगा। तो अकॉर्डिंग दिस 1/2 इंटू ऊपर सभी में 2 है तो 2 को आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है 2 को आप कॉमन ले लेंगे, तो ये देखिए चलो 2 2 ऊपर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर आई कैप फिर प्लस, या आप ऐसा करिएगा इसको थोड़ा सा एक लाइन और हम शॉर्ट कर देंगे सीधे सीधे, आप इसको अभी कॉमन ऑमन कुछ मत लो, कुछ मत लो, कुछ मत लो, ये 1/2 है। ओके इसको सीधे सीधे लिख दो, 2x आई कैप ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इतना बचेगा, ठीक है फिर प्लस ये वाला कितना बचेगा इतना, यानी कि 2y जे कैप, और कितना है नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस ये कितना है 2z के कैप, नीचे कितना बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस
जेड स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट। नीचे वाला सेम है, अब देखिएगा नीचे वाला सेम है, ठीक है, नीचे वाला सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सेम है तो ऊपर वाला भी सेम के सेम कर जाएगा, टू एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप प्लस टू जेड के कैप, इस तरीके से। अब ऊपर से दो कॉमन ले लेंगे, अब ऊपर से मैं दो कॉमन ले लूंगा तो दो, तो ये कितना बचेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कितना बचेगा, अपॉन नीचे आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये आपका बचेगा, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से एक, ठीक है, या आपको ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा इस दो से ये वाला दो कट जाएगा और यहाँ पे यूज कर देंगे, यूजिंग यूजिंग। अब देखिएगा ये जो हम शुरुआत में जो हमने करी थी यहाँ पर, इसको आप इसको समीकरण एक मान लो, इसको समीकरण दो मान लो। तो हम देखिएगा ये वाली जो वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस, ये तो ये आर वेक्टर की वैल्यू है, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ये आर स्क्वेयर की वैल्यू है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा ये आपको दिखाई देगा, तो यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला आपका आर वेक्टर हो जाएगा और नीचे वाला आपका आर स्क्वेयर हो जाएगा। ये चल क्या रहा था, डेल फाई, क्या इतना ही प्रूफ करना था आपको, प्रूफ जी हाँ। देखिएगा अभी मैं और छोटा करके दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखिएगा यहां से ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से, यहां पर ये देखिए ये वाला प्रूफ करना था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको मैं बड़ा कर दूंगा, ठीक है, ये हो चुका है, ये देखिएगा इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ये आपका ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये आपका सवाल इतना हो चुका है, ठीक है, ये हो गया, और इसका आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिएगा ये सवाल आपका पूरा मैंने कर दिया है, ऑल राइट, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है आपका, नौवां क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द कॉन्स्टेंट ए, डिटरमाइन कॉन्स्टेंट ए, यानी कि ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका दे रखा है माइनस चार एक्स माइनस छह वाई प्लस तीन जेड, आई कैप प्लस माइनस का टू आई कैप प्लस वाई माइनस पांच जेड, जे कैप प्लस पांच एक्स प्लस छह वाई प्लस ए जेड और के कैप, ये है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करो यदि डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, और ए वेक्टर का मान देखिए कितना खतरनाक है, ए वेक्टर का मान कितना बड़ा दे रखा है, ये ए वेक्टर का मान है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है,
हमको डाइवर्जेंस ए वेक्टर निकालना है। डाइवर्जेंस का मतलब इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करनी है, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इसकी वैल्यू कितनी है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसके साथ में हमको डॉट प्रोडक्ट करनी है, माइनस का 4 माइनस का 6 वाई प्लस का 3 जेड आई कैप इसको इस तरीके से लिखिए, प्लस माइनस का 2 आई कैप, 2x होगा, माइनस का 2x, ठीक है, इसमें आई कैप नहीं है, ये 2x है, यहाँ पर 2x, 2x प्लस वाई माइनस 5 जेड, और ये हो जाएगा जे कैप प्लस 5x प्लस 6y प्लस ए जेड के कैप, ये हो जाएगा, और इसको मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा। पहले मेरे को देखिए डाइवर्जेंस ए बराबर 0 दे रखा है, तो आप पहले क्या करेंगे, ये डाइवर्जेंस निकाल लिए, इसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है, रख देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। पहले हम डाइवर्जेंस ए बराबर निकाल रहे थे, अब आई वाले की मल्टीप्लाई, जे वाले के साथ मल्टीप्लाई, के वाले के साथ, तो आई का यहां पर देखिएगा किस तरीके से होगा मल्टीप्लाई, ध्यान से समझिएगा, इसकी इस पूरे की इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी, तो डेल अपॉन डेल एक्स, और ये है आपका माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस का 3 जेड, ये हो जाएगा, और प्लस जे का गुणांक यहाँ पर कितना, डेल अपॉन डेल वाई, और इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 2x प्लस का वाई माइनस का 5 जेड, ये हो जाएगा प्लस डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 6y प्लस ए जेड, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां से आगे का यदि हम सिस्टम करें, इसका इस पूरी चीज का, यानी कि ये जो आपका पूरा दे रखा है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, इस पूरे का वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, यानी कि एक्स का 0 इसका 0, वाई का अवकलन हो जाएगा 1, तो प्लस का 1 आ जाएगा, और इसका जेड के रेस्पेक्ट में इसका 0 इसका 0, और इसका करेंगे जेड का 1 हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, तो ये जो आपका निकला है डाइवर्जेंस ए वेक्टर निकला है। तो अब यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार आपको ये देखिएगा, या प्रश्न ये मिटा दे रहा हूं, ये प्रश्न के अनुसार डाइवर्जेंस ए वेक्टर आपको दे रखा है 0, तो यानी कि ये जो डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 प्लस 1 प्लस ए इजकल टू 0, ये चार चार में से एक जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, प्लस का ए इजकल टू 0, और ए इजकल टू कितना आ जाएगा 3, प्लस के 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ए इजकल टू कितना आ जाएगा 3, दैट इज आंसर। आई बात समझ में या नहीं आई, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन बस इतने ही करने हैं, 8-9 जितने भी क्वेश्चन हैं इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और मैं देख ले रहा हूं, हाँ, एक मेरठ यूनिवर्सिटी और रोहिल रोहिल यूनिवर्सिटी, इसमें भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको और कर लीजिए, एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, सीधे सीधे ये क्वेश्चन है, इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको दे रखा है ई की पावर एन टी, और यहां पे दे रखा है ए वेक्टर, फिर प्लस ई की पावर माइनस एन टी, और यहां पे दे रखा है बी वेक्टर, वेयर वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कॉन्स्टेंट वेक्टर,
आर कांस्टेंट वेक्टर। ये कांस्टेंट वेक्टर्स दे रखे हैं, देन शो दैट डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन डी टी का स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको और करते हैं, ठीक है? चलिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में आपका आर वेक्टर बराबर दे रखा ई की पावर एन टी ए वेक्टर प्लस ई की पावर माइनस एन टी, और यहां पर दे रखा बी वेक्टर। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। अब आपको पता है कि यहां पर ये जो है आपका ए वेक्टर, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ई की पावर देखिएगा, यदि ये ई की पावर टी होता और टी के रेस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं तो ई की पावर टी हो जाता, लेकिन यहां पर ये टी नहीं है तो इसको टी माने, तो ई की पावर टी का करेंगे तो ई की पावर टी यानी एन टी हो जाएगा, इंटू इसका एन टी का दोबारा से अवकलन करेंगे तो एन हो जाएगा, ऐसे ही प्लस इसका करते हैं ई की पावर माइनस एक्स का, यदि हम एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो कितना आता है, माइनस ई की पावर माइनस का एक्स आता है, तो अकॉर्डिंग दिस इसका करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एन टी आ जाएगा, और एन माइनस एन टी का दोबारा से करेंगे तो माइनस का एन बचेगा, क्यों, क्योंकि टी का करेंगे तो वो हो जाएगा वन, तो ये चीज आ जाएगी, इनटू ये बी वेक्टर आपका जो कहते हो रहेगा, बी तो आपका कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन ए वेक्टर, और ई की पावर एन टी हो जाएगा माइनस की, इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा प्लस, और बी वेक्टर कांस्टेंट की तरह है तो आगे लिख दिया ई की पावर माइनस एन टी जो कहते हो रहेगा समीकरण एक। ओके चलिए, यहां तक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम इसका दोबारा से इसका करेंगे अगेन, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू ये एन यहां पर कांस्टेंट, ए वेक्टर यहां पर कांस्टेंट, ई की पावर एन टी का करें, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एन टी का एन टी हो जाएगा, इंटू एन टी का दोबारा से टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एन हो जाएगा, ऐसे ही प्लस ये बी, देखिए बी एन आएगा यहां पर, देखिए एन तो रह गया ये वाला एन, एन और बी ये आगे लिखेंगे तो यहां पर एन भी आएगा एन, तो यहां से मैं एन को आगे लिख दे रहा हूं बी, इस तरीके से इनटू इसका ई की पावर का करेंगे वही पुराने जैसा कि भैया ये माइनस का होता है तो ई की पावर यानी कि माइनस ई की पावर एन टी आ जाता है, ई की पावर एन टी, ठीक है? अरे यार थोड़ा सा हम गड़बड़ आ गए चीजों को देखिएगा। ऑल राइट देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि ये वाली चीज में यहां पर माइनस आएगा, यहां दो माइनस नहीं आएंगे देखिए, क्योंकि ये वाला माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका कारण समझ लो, इसका कारण यहां पर समझ लो कि e की पावर यदि मैं माइनस एन टी का अवकलन टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कैसे होगा, आप इस पूरी चीज को एक्स मान लेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहेगा, जो एक्स माना है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा यानी कि माइनस एन टी का, अब टी के रेस्पेक्ट में इसका वन हो जाएगा तो ई की पावर माइनस एन टी इंटू
माइनस का एन, ये चीज आएगी माइनस का एन, ठीक है। अब इसके माइनस करेंगे तो यहां पर ये माइनस आएगा, बस ये माइनस यहां पर आएगा, ओके चलिएगा। अब यदि यहां पर इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, और इसका करेंगे तो e की पावर यहां पर माइनस नहीं आएगा, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, यहां पर माइनस नहीं आएगा, माइनस कौन सा आएगा इसका, जो दोबारा से करेंगे तो यहां पर माइनस आएगा इस तरीके से, ओके चलिएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वेयर ए वेक्टर ई की पावर एन टी हो जाएगा, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस एन स्क्वेयर बी वेक्टर ई की पावर माइनस एन टी हो जाएगा। तो ये डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वेयर इतना आ जाएगा। तो बात समझ गए होंगे कि यहां पर माइनस नहीं आएगा, इसमें माइनस आएगा, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो ये ठीक है चलेगा। ये चीज हो गई। अब हम इसको यहां से आपका क्या चीज कॉमन आ रहा है, यहां से आपका एन स्क्वेयर डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वेयर इजिकल टू, यहां से यदि मैं एन स्क्वेयर इसका कॉमन ले लूं तो यहां पर बचेगा ए वेक्टर ई की पावर एन टी प्लस बी वेक्टर ई की पावर माइनस एन टी के आ जाए। अब इसको मैं समीकरण एक मान लूं, यहां पे देखिएगा, इसको यदि मैं समीकरण एक मान लूं तो ये वाली जो वैल्यू है भाई, इसमें बी आगे आया पीछे आए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाली जो वैल्यू है टोटल ए वेक्टर आर वेक्टर की है। तो अकॉर्डिंग दिस देखिएगा, यहां पर यदि मैं इसको भी थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूं, एन स्क्वेयर इसको ई की पावर एन टी, ए वेक्टर को यहां पर लिख दे रहा हूं ई की पावर माइनस एन टी, और बी वेक्टर को पीछे लिख दे रहा हूं। अब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं यूजिंग यूजिंग इक्वेशन वन, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आर की है, तो एन स्क्वेयर आर वेक्टर हो जाएगा, और ये डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी टू हो जाएगा, और यहां से आगे डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी टू माइनस एन स्क्वेयर आर वेक्टर इजिकल टू जीरो, ये आपका हो जाएगा। इसको हम कर देंगे प्रूफ, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरे को कमेंट करके बताइएगा ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं आए। अब सिर्फ और सिर्फ अब आपका वॉल्यूम इंटीग्रल, यानी कि आपका वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल और आपका सरफेस सरफेस इंटीग्रल, ये आपको इनकी परिभाषा आपको बतानी है, फिर आपको डबल इंटीग्रल आपको बताना है, फिर इसके बाद में आपके जो दो तीन थ्योरम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट मेरे को थ्योरम्स आपको करानी है, बस यही चीज मेरे को आपको करानी है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके।